बड़ों को पेरिवोना, छोटों को सत श्रीकाल। मैं हूँ आपका अपना वीरेन मुंजाल। तो गाइस कैसे आप सब? सुबह के 9:30 हो चुके हैं और अब मैं सोकर उठा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज मैंने चंडीगढ़ जाना था पर मैं जा नहीं पाया क्योंकि आज किसान यूनियन की तरफ से सारा भारत बंद है, मतलब चक्का जाम है, तो उसकी वजह से सारा रोड ब्लॉक होंगे आज। तो एक्चुअली मैंने अपनी बहन विशु के पास जाना था कुछ काम, तो फिर अगर मैं जाता तो फिर क्या आता कि इस टाइम तक आता तो फिर अगर मैं रास्ते में फंस जाता तो उसका कुछ पता था, तो इसलिए मैं अब कल जाने की सोच रहा हूँ। पर कल तो मैंने कॉलेज जाना है तो शायद घर वाले ही जाएंगे। और आज मैंने ब्लड डोनेशन के लिए भी जाना था जो रोटरी क्लब की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था इमरान नगर में, तो मैं सिर्फ चक्का जाम की वजह से गया नहीं वहाँ पे भी, क्योंकि अगर मैं फंस जाता तो क्या करता फिर। तो मैं अब उठा हूँ आराम से, तो चलो खाना वगैरह खाते हैं फिर मिलते हैं आपको। तो गाइज ये बाल कटवा के आया अब, और अब बारिश आ गई एकदम से। मौसम को पता नहीं लग रहा आजकल कैसे हो रहा है, देखो कितना बादल हो गया ऊपर, और भी बिल्कुल साफ था। और बाहर मैं टीवी देख रहा था बैठा हुआ। मैं तो शाम को जाऊंगा कटिंग कराने। तो गाइस बाहर बारिश का मौसम हो रहा है और मकेन के मजे ले रहे हैं यहाँ पे हम। ये अब नहा के आया, जैसे कि आपको पता है ये कटिंग करा के आया था। तो गाइस जो फ्रेंच फ्राइज आ चुके हैं, देव ने वो सारे खत्म कर दिए। तो गाइस दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। मैंने शॉप पे जाना था, कुछ काम था, पर जाऊं भी कैसे, इतनी तेज बारिश हो रही है। कैमरे में पता नहीं क्यों नहीं दिखती बारिश कभी भी। तो गाइस शाम के 6 बज चुके हैं, तो चलो अब हेयर कट कराने चलते हैं। कई दिन से हेयर कट नहीं कराया और बियर्ड भी सेट करानी है। चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको वहाँ पे जाकर। तो गाइस अब तो बारिश रुक गया है और देखो यहाँ पे गाड़ी कैसी, गली में देखो कितना पानी हो रहा है, अब तो रुक गया बारिश, और बाइक और गली देखो कितनी गिल्ली हो रही है। इन बच्चों को बारिश में भी चैन नहीं आई, ये घर बैठते नहीं अपने। हेलो गाइस, पानी देखो भाई, मैं फिसल ना जाऊँ, बस एक हाथ में मेरे फोन है। तो गाइस मैं शॉप पे आया हूँ और देखो भैया यहाँ पे सोए पड़े हैं, दो भैया ये और एक भाई ये सोए पड़ा भाई। इस भाई ने मेरे को देख लिया, हंस रहा है। क्या हुआ वही शक्ल तो दिखा दे भाई, हेलो तो कर दिया गाइस को। तो गाइस रात के 8:30 हो चुके हैं और अब मैं और देव घर जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है मैं कटिंग करा के सीधा शॉप पे चला गया था, फिर अब बस सैंडविच लेके जा रहे हैं, खाने का मन कर रहा है, देव घर था कुछ खा के आते हैं। चलो घर चलते हैं, घर जाके एंजॉय करेंगे। तो गाइस खाना पीना तो हो गया है, तो चलो अब थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं। मेरी फाइल्स कम्प्लीट नहीं है, जैसे कि 2-3 दिन छुट्टी लगी थी ना, ऐसे कई दिन टीचर नहीं आए तो फिर उसकी वजह से। तो चलो अब लैब फाइल कंप्लीट करते हैं। तो गाइज मेरे को मेरा बैग नहीं पता कहाँ पे है, वो गाड़ी में पड़ा है 2 दिन से, मेरे को याद ही नहीं रहा। तो चलो गाड़ी में से बैग निकालते हैं क्योंकि मैंने काम कंप्लीट करना है ना। मैंने तो अब देखा फाइल भी पीछे पड़ी है, चलो वर्क करते हैं।
तो गाइज मैं अभी वर्क कर रहा था और मम्मी एकदम से खाना ले आई। ये है नान, ये है पनीर की भुर्जी। एज यू नो ऑल की दिस इज़ माई फेवरेट, तो फिर मेरे लिए बनना तो बनता है। हफ्ते में मतलब 3 बार तो मेरे लिए पनीर की भुर्जी बनती है। और ये घर के होममेड नान, बटर नहीं लगाया क्योंकि भुर्जी के साथ बटर वाले अच्छे नहीं लगेंगे। तो गाइस रात के 10:30 हो चुके हैं, तो चलो दूध पीते हैं और अब जाके मेरा वर्क कंप्लीट हुआ। जैसे कि आपको बताया था कि मैंने अपनी फाइल कंप्लीट कर रहा था, चलो अब सोते हैं क्योंकि कल कॉलेज से जाना 2 दिन के बाद। बहुत मस्ती मार ली 2 दिन, ऐसे तो बारिश हो रही थी सारा दिन। आज सुबह से लेकर शाम तक कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, बस मैं हेयर कट करा के आया। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। बाय।